नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। वर्कशीट है 11 कक्षा 4 से 5 प्रयास अभ्यास पुस्तिका कर रहे हैं। चित्र को देखो, चित्र के बारे में सोचो और 4 वाक्य लिखना है। चित्र बड़ा सुंदर है, चित्र में बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं, ठीक है? तो बस इनके बारे में ही लिखना है हमें। क्या लिख सकते हैं? चित्र एक जंगल का है साहब, का है, यानी जंगल का चित्र है यह। फिर क्या दिख रहा है? मोर नाच रहा है। और क्या कर रहे हैं? घोड़े घोड़े व ये क्या है? यह भैंस होगी, भैंस घास चर रहे हैं, पतख पानी में तैर रही है। ये हो गए हमारे 4 वाक्य। इसमें बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, परंतु हमने 4 ही लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं। अगला है, चित्र के तो देखकर उसकी खाल यानी त्वचा को मिलाना है। तो बड़ा सरल है, अपने बहुत सारे जानवरों को देखा है, हम मिला सकते हैं। तो देखिए, यह गिलहरी है और गिलहरी की त्वचा मुझे यह दृष्टि गोचर हो रही, यह दिख रही है, तो यह सांप गिलहरी है, ठीक है। अब यह एक हिरण है और यह हिरण, तो इसकी खाल इसको मिला लगा दे देते हैं, ठीक है। अब यह और यह, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए, यह एक बाघ का चित्र है और यह एक तेंदुए का चित्र है। तो बाघ की पूंछ थोड़ी छोटी होती है, तो यह बाघ है साहब, और यह तेंदुआ है। तो तेंदुए को इधर ले आइए, ये यहाँ मिला दीजिए इस तेंदुए को, और बचा है घोड़े जैसा, तो यह है हमारा जेबरा, जो दिखता घोड़े जैसा है, बस उसमें से धारियां होती है। तो हमने यह मिला दिया है त्वचा को जानवरों से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पैटर्नों को आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा पैटर्न है, इसका इधर मुंह था, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, ठीक है। इसको ही देखना, राइट का निशान दाएं ऊपर बाएं, अब कहाँ आएगा? अब यहाँ पर यह ऐसे नीचे आएगा, फिर दाएं चला जाएगा। ये हो गया पैटर्न पूरा। अब आप देखिए, ये एक हिस्सा नहीं है इसमें से, उसका मुंह नीचे चला गया, यानी घूम रहा है घड़े की सुई की दिशा में, इधर है। अब क्या हो जाएगा? अब यह ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सही से बना नहीं, लेकिन आप अच्छे से बना, ठीक। अब कैसा हो जाएगा? अब पुनः ऐसा हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट हमारा। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, ये कंप्लीट हो गया। आगे है, चित्र को मिलान करना है। क्या दिख रहा है? ये बल्ला यानी बेड, BAT बेड, बेट यानी बल्ला। ये क्या है? हेड, HAT हेड, हेड यानी बड़ी सी टोपी, ठीक है। बॉल, BALL बॉल, बॉल यानी गेंद। और डीओजी साहब यानी डॉग यानी कुत्ता, ये मिला दिया। आगे है, अलग पर घेरा लगाना है। पेन, पेंसिल, कॉपी, लेकिन हथौड़ी तो अलग नजर आ रही है, ये हमारे स्कूल का साधन नहीं है, ये हमारे बैग में रहती नहीं है। ये हो गया हमारे वर्कशीट 11। आशा है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।